डही नगर के मुख्य मार्ग पुनासा बस स्टैंड पर नाली चौक होने से गड्ढा खोदा गया था, जिसे परिषद द्वारा अभी तक बंद नहीं किया गया है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों और दोपहिया वाहनों का हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। परिषद द्वारा विगत 15 दिनों पहले खुदाई की गई थी, जिसके बाद इसे सुधार कर बंद नहीं किया गया। मुख्य मार्ग होने से वाहन चालकों को दो पहिया वाहन पैदल निकलने वाले राहगीरों के लिए हादसे का अंदेशा बना रहता है। नगर के व्यापारी संदीप राठौर ने बताया कि विगत 15 दिन पहले बोहरा समाज के धर्म गुरु डॉक्टर सैयदना साहब डही पधारे थे, तब यहाँ पर नाली चौक होने से नाली का पानी सड़क पर आ रहा था, जिस वजह से यह गड्ढा खोद कर इसमें सुधार किया जाना था, लेकिन इसके बाद 15 दिन बीत गए, इस गड्ढे को अभी तक बंद नहीं किया गया और न ही निर्माण कर सुधार किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। दही नगर परिषद के द्वारा यह गड्ढा विगत 15 दिन पूर्व खोदा गया। 7 तारीख को बोरा समाज के धर्म गुरु डॉक्टर सैयदना साहब के आगमन को लेकर नाली चौक होने की वजह से रोड पर पानी जा रहा था, उसकी वजह से गड्ढा खोदा गया था और आज दिनांक तक 15 दिन हो गए गड्ढे को कोई वापस ना तो नाली निर्माण किया गया ना वापस इसको बंद किया गया। आम जन परेशान है, आम रोड है, रोड राहगीर कोई भी परेशान हो रहा है, गिर जाएगा तो उसकी जवाबदारी पूरी नगर परिषद की रहेगी। हमारे व्यवसायी पे भी फर्क पड़ रहा है, दुकान पे कोई ग्राहकी नहीं हो रही। मैंने इसकी शिकायत दही नगर परिषद CMO सर, अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधि, पार्षदगणों को एवं सफाई कर्मियों को, उन्होंने गड्ढा किया था और CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।